सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ये वाली चारपाई की डिजाइन सिखाने वाला हूँ। तो आपको ये डिजाइन सीखनी है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसमें पहले सबसे क्या करना है, तो ताना खींचना है। मैंने सबसे पहले ताने खींचे हैं, तो ताने में 71 यानी कि 71 दूरी लेनी है आपको। कैसे खींचे उसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले डाला हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो ताना कैसे खींचे वो सीखना है, तो उसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर चारपाई की बुनाई शुरू करते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ताने खींचने के बाद ये वाली फर्स्ट डोरी है, तो इसमें क्या करना है, पहले वाली 5 दबानी है और ये 6 डोरी उठानी है, फिर 5-6 दबानी और 6 उठानी, 6 दबानी और 6 उठानी, और बीच में एक दबाई है मैंने, उसमें 11 दूरी थी, तो उसमें 5 इस साइड में और 5 इस उठानी है, 6 दबानी, 6 उठानी और 6 दबानी। आप एक बार देख लो कैसे किया है मैंने। ये फर्स्ट दूरी है, पहले नंबर वाली, और अब दूसरी देखते हैं। मैंने दूसरे नंबर की दूरी ली, सेकंड, तो इसमें क्या किया है, 6 दबाई है, पहले ये दबाई थी और अभी ये दबाई, फिर 5 उठाइए, 6 एक दबाइए, 6 उठाइए, 6 दबाइए ऐसे, और यहाँ पर क्या किया था मैंने, ये कहीं यहाँ पर थी, तो अभी उसको 10 उठानी है, 11 दूरी है, 11 दूरी उठानी है, उसके नीचे से जाने देनी और फिर से यहाँ ऐसे, ये दूरी यहाँ आई थी तो ये दूरी यहाँ पर आएगी, और ये सेम देख लीजिए नज़दीक से। दोस्तों, ये एक दो और ये तीसरे नंबर वाला, तो तीसरे नंबर वाली दूरी में क्या किया है, एक उठाइए और फिर से 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई, 6 उठाई और 6 दबाई, और यहाँ पर क्या किया मैंने, ये कुल 11 दूरी थी, तो उसमें एक ये दबाई और एक ये दबाई, ये 9 दूरी को उठाइए, फिर यहाँ 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई, 6 उठाई और लास्ट में एक उठाई, ये तीसरे नंबर वाली दूरी है। फिर से आप एक बार ध्यान से देख लो। दोस्तों, ये चौथे नंबर की दूरी है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें क्या किया मैंने, तीसरी वाले में एक उठाई तो उस चौथे वाले में 2 उठानी है आपको, ये एक, ये 2 है लेकिन एक गिननी है आपको, ये 2 दूरी मैंने उठाई, तो फिर से क्या किया, 6 दबाई और 6 उठाइए, ये देख लो 3, 3, 6, फिर से 6 दबाइए, 6 उठाई, 6 दबाई, और उसमें क्या करना है आपको, तो मैंने ये 2 दबाइए, 2 इधर दबाइए और 2 इधर, बाकी सब मैंने उठाइए, तो मैंने 7 दूरी उठाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूरी, और फिर से क्या किया मैंने, 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई और लास्ट में 2 उठाइए। आपको सिर्फ क्या करना है, पीछे वाले में वधकट होगी, ज़्यादा कम होगी, बाकी सब ऐसी रहेगी। आइए अभी पाँचवें नंबर की दूरी की बात करते हैं, तो पहले एक उठाई, बाद में 2, अभी 3 उठाइए, 3 उठानी है और फिर से कंटिन्यू, 6 दबानी है, 6 उठानी है, 6 दबानी है, 6 उठानी है, 6 दबानी, और उसमें क्या करना है उसको मैंने देखो, पहले कुल 13 दूरी थी, बाद में 11 दूरी, फिर 7 दूरी, तो अभी क्या करना है, अभी हम रखेंगे 5 दूरी, तो इसमें 2, 3, 4, 5 एक एक कम करते जाना है, उससे घटानी है, फिर से आप यहाँ पर 6 दबानी है, 6 उठानी है, 6 दबानी है, 6 और फिर से यहाँ पर 3 दूरी,
आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे तीन दूरी बचेगी तो फिर लास्ट में आपको भी तीन दूरी बचेगी। ध्यान से देखो तो आप जरूर चार पाई की बुनाई सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। अब दोस्तों छः नंबर की दूरी की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें मैंने क्या किया, अभी चार उठाइए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 उठाइए, फिर से क्या किया, 6 दबाइए, 3 और 3 6, 6 उठाइए, 6 दबाइए, ऐसे, और लास्ट में क्या किया मैंने, सिर्फ तीन दूरी उठाइए, क्योंकि एक एक कम हो जाएगी, सातवें नंबर की दूरी में यह की बचेगी। और फिर से मैंने, फिर से आपको रिटर्न चलना, 6 दबानी 6 उठानी, 6 दबानी और 6 उठानी, और लास्ट में क्या, चार दूरी बचेगी, यहाँ पर चार बसी है और यहाँ पर भी चार दूरी बची, ये 6 नंबर की दूरी है। और अभी देखते हैं आगे सातवें नंबर की दूरी में क्या है? बात करते हैं ये वाले सातवें नंबर, तो उसमें मैंने क्या किया है, 5 उठाइए, 5 दूरी थी ये येलो कलर वाली, ये उठाइए, और यहाँ पर फिर से मैंने 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई, 6 उठाई और 6 दबाई, और जो एक बची थी वो उठाइए। अब यहाँ पे 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाना, और यहाँ पे 5 दूरी बची। अब हमको फिर से ये कलर वाली दूरी लेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये वाली डिजाइन आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से ये फोटो आप देखिए। अभी हम डिजाइन थोड़ी थोड़ी दिखने लगी, अब हम डिजाइन से शुरुआत की है, अभी देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर ये वाली दोरी, ये वाली आप दोरी देखते हैं, इसी तरह मैंने सेम ये वाली दोरी फिर से निकाली। आप इतना सीख जाओगे तो पूरी चारपाई की डिजाइन आप आसानी से बुनाई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर एक दबाई, तो यहाँ पर मैंने एक दबाई थी, सेम यहाँ पे दबाई थी, यानी यहाँ पे मैंने उठाई है, यहाँ पे ये देखो ये दबाई है, यहाँ पे मैंने उठाई है, उनका उल्टा करना है सिर्फ आपको, यहाँ पे मैंने दबाई है तो यहाँ पर मैंने दबाई है, यहाँ पे उठाई थी, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये दबाई थी तो ये मैंने दोरी यहाँ पर उठाई हुई, उसके ऊपर ही रखी है, आप देख सकते हो वहाँ से। अब हम ये वाली दोरी से बुनाई करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो फिर से मैंने यहाँ पर भी 6 उठाइए, 6 दबाइए, 6 उठाइए, 6 दबाइए, ऊपर जो भी दूरी देखते हो आप उसी तरह ही आपको दूरी चलाना। अभी आप देख सकते हो फर्स्ट वाली दूरी मैंने जैसे चलाई थी इसी तरह यहाँ पे मैंने ये दूरी चलाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 दूरी ली है, बीच वाली, बीच में 10 दूरी। आपको जल्दी समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को रोक कर धीरे धीरे आप देख सकते हो, इसमें आपको दीवान लगाना है तो आप तुरंत सीख जाओ। ये आपको लाइन है, वो लाइन सीधी आनी चाहिए, उसमें लाइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो गलती होगी तो आपको डिजाइन नहीं बनेगी। तो आपको ये आड़ी लाइन है, ये लाइन को ध्यान में रखना, और बीच में सेंटर भी ध्यान में रखना, तो आप आसानी से चारपाई की बुनाई कर सकते हो।